हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 11th की जो अकाउंटेंसी है, इसमें चैप्टर फर्स्ट में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्टिव तो अकाउंटिंग का नहीं है, वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव हैं। निम्न ऑब्जेक्टिव हैं जो अकाउंटिंग के, उनके ऊपर आज हम इस पे चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है, टू कीप ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अकाउंटिंग को मेंटेन करने का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें ये है कि इससे जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड है वो क्या होता है, उसे सिस्टमेटिक वे से रखा जा सके, इसलिए हम इसको मेंटेन करते हैं। इसमें अगर मेन ऑब्जेक्टिव है, क्लियर माना जाता है कि रिकॉर्ड जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारे पास दूसरी इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं हो सकती। और यहाँ पे जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो स्पेसिफाइड जो रूल्स हैं उनको ध्यान में रख के रखा जाता है। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस जो होता है उससे हमें सपोर्ट मिलती है कि किसी तरह की कोई गलती या कोई फ्रॉड होने की संभावना है वो नहीं रहती, और इससे बिजनेस सेफ हो जाता है। और इस उद्देश्य के लिए हम यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन रखते हैं पहले उनको क्या जर्नल या सब्सिडी बुक में उनका लिखा जाता है, और उसके बाद में इनकी पोस्टिंग है वो लेजर के द्वारा, लेजर के अंदर कर दी जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार हमारा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो है वो तैयार हो जाता है ट्रांजेक्शंस का, और ये हमारा एक उद्देश्य पूरा होता है इस यहाँ पर अकाउंटिंग को रखने का। दूसरा जो उद्देश्य है वो ये है कि टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि बिजनेस के अंदर ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो है, यानी कि बिजनेस की स्थिति जो है, पोजीशंस है, उसको दर्शाया जाए, और इसको करने के एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान क्या है वो जानकारी प्राप्त हो। और इस उद्देश्य के लिए हमें यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो तैयार करना पड़ता है उस पीरियड का। और ये सभी जो इससे रिलेटेड आइटम होती हैं, जो है जैसे कि परचेज हुआ, सेल्स एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो है, इनकम हुई, ये इसके अंदर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखी जाती हैं। और इस प्रकार यहाँ पे जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से जो हमें न्यून जो इंफॉर्मेशंस हैं वो हम आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हाउ मच गुड्स हैव बीन परचेज ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, एक दौरान के पीरियड के दौरान हमने कितना माल खरीदा है, कितना माल हमने बेचा है, उसके साथ साथ अनसोल्ड माल है वो कितनी वैल्यू का वो रखा हुआ है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। और हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन स्पेंट ऑन द वेरियस हेड्स, कौन कौन से हेड के ऊपर हमने कितना खर्चा किया है, और साथ में क्या है कि कितना वेरियस हेड से हमें कौन कौन से हेड से कितनी अमाउंट प्राप्त हुई है, रिवेन्यू प्राप्त हुई है, इसकी जानकारी हमें यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से प्राप्त हो जाती है। और जब ये सूचना हमें प्राप्त हो जाती है तो बिजनेस है वो इफेक्टिव कंट्रोल उसके ऊपर कर सकता है, खर्चों के ऊपर, और इसके है वो सक्षम हो जाता है। थर्ड अगर हम बात करें तो टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास मिल जाती है, कलेक्ट हो जाती है, इनके आधार पर आसानी से ये जान सकते हैं कि जो मेन प्रॉफिट जो हुआ है उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है, और यदि लॉस हुआ है तो उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस हो रहा है। उसके बाद में नंबर फोर्थ में अगर देखते हैं तो टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस, केवल एक वर्ष के पीरियड के दौरान ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से ही हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त होती। ये बिजनेसमैन जो है उसका वो चाहता है कि उसे हम पूर्ण जानकारी प्राप्त हो, उसे फाइनेंशियल पूरी संपूर्ण जो बिजनेस की जो हालत है उसके बारे में उसे जानकारी प्राप्त हो, और इस पर्पस के लिए उसे क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बजाय उसे बैलेंस शीट तैयार करनी होती है, जिसमें बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स की जो संपूर्ण जो एसेट्स होती हैं उनकी वैल्यू दी हुई थी है, जिसमें कितना कैश इन हैंड है, कितनी उसकी लायबिलिटी है, कितनी उसकी कैपिटल है, आदि संपूर्ण जानकारी जो है वो इसके अंदर दी हुई होती है बैलेंस शीट के अंदर। और बैलेंस शीट जब तैयार हो जाती है तो वहाँ पे हम निम्न जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हमें प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें कि हाउ मच द बिजनेस हैज़ टू बी
रिकवर फ्रॉम द डेटर्स, डेटर्स से कितना रिकवर होना है, क्रेडिटर्स को कितना भुगतान करना है, इसके साथ कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, फिक्स एसेट्स कितनी है, इन सभी क्वेश्चंस के जवाब हमें हमें बैलेंस शीट से प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि नंबर फिफ्थ जो है इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंटिंग है वो है टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, क्योंकि जब हर पीरियड की हमारे पास रिपोर्ट होगी तो उस रिपोर्ट का हम कंपैरिजन करके ये निर्धारित कर सकते हैं कि प्रोग्रेस रिपोर्ट हम तैयार कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम वर्ष टू वर्ष हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ नंबर सिक्स में अगर हम देखते हैं तो टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, अगर हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हमारा बना तैयार हो जाता है तो किसी भी तरह की कोई जो है जो एरर होती है और कोई फ्रॉड होता है उसे रोका और कम किया जा सकता है। ये भी हमारा एक उद्देश्य है अकाउंटिंग को मेंटेन करने का। नेक्स्ट है नंबर सेवन के अंदर अगर हम देखते हैं टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज, क्योंकि एक बिजनेस के साथ इंटरनल पार्टीज और एक्सटर्नल दोनों तरह की पार्टियां हैं वो जुड़ी होती है। अनदर मेन ऑब्जेक्टिव इसके अंदर ये लेके जाता है कि क्योंकि इनके साथ हमें जो वेरियस पार्टीज है उनका इंटरेस्ट बिजनेस में होता है और उनके साथ कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी होता है। इसमें ऑनर्स है, इन्वेस्टर है, क्रेडिटर्स है, बैंक्स, एम्प्लॉइज और इसमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज आदि सभी इसके अंदर शामिल होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है इन इंफॉर्मेशंस को हम इनके साथ शेयर कर सकते हैं, इनके साथ साझा कर सकते हैं और इससे बिजनेस को काफ़ी क्या है कि मदद मिलती है, सपोर्ट मिलती है और बिजनेस आगे बढ़ता है। तो मेरे को उम्मीद है कि आज की जो इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंटिंग है वो कितने हैं, क्या हो ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंटिंग किसे कहते हैं, कौन कौन सी ये जरूरतों को पूरा करते हैं, इसकी जानकारी आपको इससे प्राप्त होगी। वीडियो से वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।